नमस्कार। बीकॉम पार्ट फर्स्ट की लोहिया महाविद्यालय के सभी छात्रों का अभिनंदन। मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन ABST, आपको आज इंश्योरेंस क्लेम्स के बारे में दो प्रॉब्लम्स पर विचार करूंगा। ये जो दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनसे कोशिश करेंगे कि आपके जो परिणामी हानि के बीमे से संबंधित कंसेप्ट आपके लगभग क्लियर हो जाए। प्रिय छात्रों, परिणामी हानि के बीमे के बारे में, या जिसको अपन लाभ की हानि का बीमा भी कहते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी बातें मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आज आप जो दो प्रॉब्लम लेंगे, उनमें एक प्रॉब्लम इस प्रकार की होगी जिसमें अतिरिक्त कार्यशील व्ययों की कोई जानकारी नहीं होगी, यानी आग लगने के बाद अतिरिक्त कार्यशील व्यय करके बिक्री को बढ़ाने के कोई प्रयास नहीं होंगे। जितनी भी बिक्री होगी बाधाकाल के दौरान, यानी आग लगने के बाद जो डिसरप्शन या इंटरप्शन पीरियड जो चलेगा, उसके दौरान जो भी बिक्री होगी वो हो जाएगी। अतिरिक्त खर्चा करके बिक्री बढ़ाने के कोई प्रयास नहीं होंगे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम अपन लेंगे। जब ऐसी प्रॉब्लम होगी, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपको ऐसी स्थिति में अतिरिक्त कार्यशील व्ययों की स्वीकृत राशि निकालने की जरूरत नहीं है, और ग्रॉस क्लेम वाला जो स्टेप है वो भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी सारी स्टेप अपन करेंगे, पहले की चार स्टेप, उसके बाद में जो है इंश्योरेबल अमाउंट की स्टेप, और लास्ट में क्लेम की। तो एक प्रॉब्लम अपन ये लेंगे। दूसरी प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो अपनी ऐसी होगी जिसके अंदर अतिरिक्त कार्यशील व्यय हो गए, और वो एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि वो एक कंप्लीट क्वेश्चन आपका बनेगा। चलिए साहब, अपन लेते हैं एक प्रॉब्लम जो आपके सामने है। सम इंश्योर्ड आपको दे दी गई है, 20,000 रुपये का बीमा करवाया हुआ है। 12 महीने की जो बिक्री आपको दे दी गई है, जो 30/6/17 को जो 12 महीने होंगे होंगे, इससे पहले देखिए ऊपर डेट ऑफ हायर आपको दिया गया है, वो 30/6/2017 है। 30/6 को आग लगी है और 30/6/17 तक 12 महीने की जो बिक्री है वो 2,00,000 रुपये आपको दे दी गई है। इसके बाद अगला आइटम नेट प्रॉफिट का आ गया पिछले साल वाले का। स्टैंडिंग चार्जेज यानी स्थाई खर्चे आपको दे दिए गए, और इसके बाद में जो है टर्नओवर फॉर द अकाउंटिंग ईयर दे दिया गया, यानी पिछले साल के अकाउंटिंग ईयर का मतलब गत लेखा वर्ष के अंत की बिक्री है, अंत तक की बिक्री है। टर्नओवर फॉर द इंडेमनिटी पीरियड का मतलब होता है वही जो क्षतिपूर्ति अवधि जिसको बोलते हैं, जिस दौरान वो एक तरह से अपन यहाँ बाधाकाल ही कह सकते हैं इसको, जो कि 30/6 को आग लगी है, तो 1/7 से ये बाधाकाल शुरू होता है, ये क्षतिपूर्ति की अवधि 1/7 से लेकर के, और इन्होंने बताया है कि 31/12 तक ये चलती है। तो इस अवधि तक की ये चलती है, तो इसकी इसने दे दी गई है टर्नओवर। फिर टर्नओवर फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/7/16, यानी इसी बाधा काल के दौरान गत वर्ष लेखा वर्ष में जो बिक्री हुई थी वो आपको दे दी गई 1,10,000 रुपये। बिक्री में वृद्धि की प्रवृत्ति 10% है। इंटरप्शन और इंडेमनिटी पीरियड जो है, जो अपन क्षतिपूर्ति अवधि कहते हैं, इसको इंटरप्शन पीरियड भी कहते हैं, इसको डिसरप्शन पीरियड भी कहते हैं, इसको व्यवधान अवधि भी कहते हैं, इसको बाधा काल भी कहते हैं, ये 1/7/17 से 31/12/17 तक, यानी 6 महीने तक चलता है। ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसमें कहीं पर भी एडिशनल एक्सपेंसेस या कोई दुकान किराए लेना बिक्री बढ़ाने के लिए, ऐसी कोई बात इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब आपके टोटल जो है वो टोटल 6 पॉइंट्स होंगे, 8 की बजाय जो अपने 8 पॉइंट आपको बताए थे कि भी सॉल्यूशन करने के लिए
हमें बिक्री राशियां इसके अंतर्गत चार प्रकार की बिक्री राशियां इसमें दी हुई हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्न। और हमारा पहला जो पॉइंट होता है, स्टेप होता है, वो हम इसलिए करते हैं, बिक्री इसमें लिखी हुई है सब, लेकिन हम एक क्रम से उनको अरेंज करके लिखते हैं, जिससे पहले जो बिक्री है वो पहली बार काम आए, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे क्रम से काम आए। मैंने आपको बताया था कि पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर जो बिक्री लिखते हैं वो बिक्री 12 महीने से कम वाली होती है, और बिल्कुल सेम मंथ्स की होगी। एक तो होगी जो कि जितना जो बाधा काल चला है, जैसे 30/6/1/7/17 से 31/12/17 चला है, इस दौरान 16 में कितनी भी थी, यानी गत वर्ष में कितनी भी थी, तो समय 6/6 महीने का रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि 1/7/16 से 31/12/16 तक की बिक्री, और दूसरी वाली बिक्री 1/7/17 से 31/12/17 तक की बिक्री, ये दोनों बिक्री होंगी। तो जो 1/7/16 से 31/12/16 यानी पिछले साल में जो माल बेचा था, उस बिक्री को हम स्टैंडर्ड टर्न नाम देते हैं। तो ये हम यही मेंशन कर देते हैं, स्टैंडर्ड टर्न ओवर, क्योंकि अब दोबारा लिखेंगे तो ये पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, केवल स्टैंडर्ड टर्न ओवर लिख देंगे। दूसरी बिक्री जो है वो बाधा काल की बिक्री होती है, ड्यूरिंग पीरियड फ्रॉम 1/7/17 टू 31/12/17 तक चालू साल में जो आग लगने के बाद हुई, वो आग लगने के बाद हुई वो बिक्री है। अब तीसरी और चौथी बिक्री 12/12 महीने की होती हैं, लेकिन 12 महीने, एक तीसरे नंबर की जो बिक्री जो 12 महीने होते हैं वो तो लेखा वर्ष की बिक्री होती है, और चौथी बिक्री जो होती है वो आग लगने की तारीख तक के 12 महीने की बिक्री होती है, जिसको एनुअल टर्नओवर नाम देते हैं। तो देखिए इसमें लिख दिया गया है, तो ये एनुअल टर्नओवर जो है वो 2 लाख रुपए की थी, जो कि जो है वो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि 30/6/17 को जो समाप्त वर्ष है, पूरा 12 महीने का जो वर्ष है, मतलब 12 महीने की बिक्री है, वो 2 लाख रुपए है। तो इस तरीके से जो है वो चारों बिक्री राशियों को अपन क्रम से लिख लेते हैं। इसके बाद में अपन स्टेप 2 पर आएंगे, और इसके अंदर अपन सबसे पहले जो है वो 1 नंबर की बिक्री लिखते हैं, जिसको स्टैंडर्ड टर्नओवर कहते हैं। चूंकि अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल निकालनी है, तो हमारे को पहले स्टैंडर्ड टर्नओवर, जो मैंने ब्रैकेट में फर्स्ट शब्द लिखा है, ऊपर आपका जो फर्स्ट है वो, ये इसका मतलब फर्स्ट है जो कोर्स ब्रैकेट में लिखा है, यानी फर्स्ट नंबर की बिक्री हम लिखते हैं। ये 1,10,000 रुपये आपको दी गई है। अब इसमें वृद्धि की प्रवृत्ति हम जोड़ देते हैं 10%, 11,000 रुपये, तो 1,21,000 रुपये एडजस्टेड टर्नओवर हो जाती है। और इसमें जो करंट ईयर के बाद अकाल की बिक्री है, यानी बिक्री नंबर 2, सेकेंड नंबर वाली जो बिक्री है वो माइनस कर देते हैं, तो वो बिक्री आ जाती है 66,000 रुपये। ऐसा है प्रिय छात्रों, एक्चुअल में क्या होता है कि जो पिछले साल उसने बेचा था इस आग लगने के बाद में, वो हमारा आधार होती है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड टर्नओवर बोलते हैं। और इस साल चूंकि आग लगने के बाद कम बेचा, तो वही माइनस करना होता है, लेकिन जब वृद्धि की प्रवृत्ति आपको दे दी जाती है, तो हम स्टैंडर्ड टर्नओवर में उसको जोड़ देते हैं, बस इतना सा अंतर लग रहा है। अदरवाइज तो पिछले साल वाली इस साल निकालेंगे तो पता लग जाएगा कि कितनी कम बिक्री की, पिछले साल मान लो 1 लाख बेचता है, इस साल अगर यहाँ पर वृद्धि की प्रवृत्ति नहीं होती तो अपन क्या करते हैं, पिछले साल 1,10,000 का बेचा, इस साल 55,000 रुपये का बेचा, तो ये 55,000 रुपये शॉर्ट सेल्स हो जाती। लेकिन चूंकि वृद्धि की प्रवृत्ति भी इसने दे दी गई है, तो इसलिए अपने को जो है वो वृद्धि की प्रवृत्ति को अपन पिछले साल वाली जो बिक्री है उसमें जोड़ के, कि भाई वो इतनी तो वो 1,10,000 तो करता ही, लेकिन ज़्यादा करता वो, अगर आग नहीं लगती तो ज़्यादा करता, यानी 1,10 तो की थी, लेकिन वो करता कितनी, 1,21 करता वो, 1,10 तो पिछले साल ही की थी, 11,000 और करता तो 1,21,000 का माल बेच लेता, और इस साल आग लगने के कारण से 55 का ही बेचा, तो 66,000 रुपये की बिक्री का घाटा हुआ, यानी शॉर्ट सेल्स आई 66,000 रुपये। इसके बाद में आप देखिए दूसरी बात अपन लेते हैं, और वो स्टेप नंबर अपनी कौन सी आती है, स्टेप 3 आती है। ये थर्ड स्टेप हमारी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट को बताती है, और ग्रॉस प्रॉफिट की रेट का है ना फॉर्मूला तो होता है सीधा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, लेकिन यहां पर जो फॉर्मूला आपने को अप्लाई करना है वो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन टर्नओवर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर, है ना, यानी बिक्री नंबर 3 और इनटू 100। तो जैसे देखिए भाई, फर्स्ट और सेकंड बिक्री तो आपके सेकंड स्टेप में काम आ गई, और थर्ड वाली इस स्टेप में काम आ गई, और
यहाँ पर देखिए क्या है कि नेट प्रॉफिट में इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को जोड़ते हैं। अब आपके इस सवाल में इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस नहीं दिया गया, केवल स्टैंडिंग चार्जेस दिए गए हैं। तो जो स्टैंडिंग का मतलब होता है स्थाई, तो जो स्थाई वे दिए गए हैं, अगर आपको बीमित नहीं दिए गए हैं तो ये पूरे ही बीमित मान लिए जाएंगे, यानी पूरे खर्चे ही बीमित मान लिए जाएंगे, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मान लिए जाएंगे। तो अगर आपको बीमित नहीं दिए गए हैं तो पूरे ही बीमित मान लिए जाएंगे। अगर मान लो ये टोटल स्टैंडिंग चार्जेस दे देता, ऐप बीमित दे देता, तो ऐप बीमित हटा देते तो बीमित बच जाते। तो यहाँ पर सारे के सारे ही इनको जोड़ देंगे और फिर इसका भाग देंगे। तो इस तरीके से 12,500, 7,300 और ये कितना, 1,98,000, इससे इसको करेंगे तो ये 10% जो है वो जीपी रेट आ जाएगी। देखिए मैंने आपको बता दिया है बीच में कि यदि बीमित स्थायी व्यय नहीं दिए गए हैं, इसलिए टोटल स्टैंडिंग चार्जेस ही बीमित स्थायी व्यय या इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आर डीम्ड टू बी इंश्योर्ड, ये मान लिए जाएंगे कि वो बीमित है। अब अपन नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं और वो है लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो स्टेप नंबर वो अपन डिफरेंट टर्नओवर हुए, दूसरी शॉर्ट सेल सेकंड स्टेप हुई, जीपी रेट थर्ड स्टेप हुई, और चौथी स्टेप अपनी आएगी लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो ऊपर दोनों दूसरी स्टेप की जो शॉर्ट सेल्स है और इंटू तीसरी स्टेप की जीपी रेट से मल्टी, यानी 2 नंबर 3 नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 4 नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कितना आया, 6,600 रुपये, यानी 6,600 रुपये जो है वो इसकी आ जाएगी लॉस ऑफ प्रॉफिट, यानी जितनी बिक्री कम हुई उसको जीपी रेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो लाभ की हानि आ गई, वो लाभ की हानि आ गई। अब अपन जैसे मैंने आपको क्लियर किया, हम 5 नंबर स्टेप लेते थे एडिशनल एक्सपेंसेस के अलाउड अमाउंट और 6 नंबर लेते थे ग्रॉस क्लेम। हम दोनों को ही यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि एडिशनल एक्सपेंसेस है नहीं, इसलिए ये 2 पॉइंट लेने की जरूरत नहीं, हम सीधे इंश्योरेबल अमाउंट पर आ जाएंगे। अब इंश्योरेबल अमाउंट जो होती है, वो इंश्योरेबल अमाउंट का मतलब होता है कि उसको बीमा कितना कराया जाना चाहिए था, उसको हम इंश्योरेबल अमाउंट कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अपने को ये बात मैंने यहाँ लिख दी भी है, एज एडिशनल एक्सपेंसेस या वर्किंग कॉस्ट इज नॉट गिवन सो अलाउड अमाउंट फॉर एडिशनल कॉस्ट, यानी 5 नंबर एंड ग्रॉस क्लेम वॉन्ट बी कैलकुलेटेड, ये नहीं दिए गए इसलिए नहीं कैलकुलेट किए जाएंगे। अब चलिए साहब अपन आ जाते हैं, पहले तो अपन लिख लेते हैं कि इसको इंश्योरेबल अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे। टर्न ओवर फॉर 12 मंथ्स एंडेड ऑन 30/17। अब देखिए ये बिक्री यहाँ काम आती है, यानी इंश्योरेबल अमाउंट निकालने के लिए एनुअल टर्न ओवर काम आती है। तो हम इसको एनुअल टर्न ओवर शब्द भी लिख सकते थे, इसको पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन ये जो एनुअल टर्न ओवर है वो पॉइंट नंबर 4 है, फोर्थ है। तो ये एनुअल टर्न ओवर 2 लाख रुपये की थी। अब इसमें भी वृद्धि की प्रवृत्ति जोड़ते हैं अपन, इंक्रीज जो है वो 10% है तो 20,000 हो गया, तो 2,20,000 रुपये उसकी एडजस्टेड जो है वो एनुअल टर्नओवर आ गई। ये एनुअल शब्द यहाँ नहीं लिखा गया है, आप मान लीजिए इसको ये एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर है, एडजस्टेड टर्नओवर नहीं, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर है 2,20,000 रुपये। अब इंश्योरेबल अमाउंट कैसे आएगी, जो एडजस्टेड जो एनुअल टर्नओवर है उसको जीपी रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगी। तो 2,20,000 को 10% से किया तो 22,000 रुपये जो है वो इंश्योरेबल अमाउंट आई। कहने का अभिप्राय ये है कि उसको 22,000 रुपये का बीमा कराया जाना चाहिए था, ठीक है, और बीमा उसने वास्तव में कराया 20,000 रुपये का। तो यदि मान लीजिए, आपको यहां पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखने की है कि कितना कराना चाहिए था और कितना कराया, यदि कम का करवाया है तो ही हम एवरेज क्लॉज लागू करेंगे। एवरेज क्लॉज का मतलब क्या होता है कि जितने का बीमा कराना चाहिए था, यदि बीमा पॉलिसी उससे कम की ली गई है तो फिर हानि की पूर्ति भी आनुपातिक ही होगी, इसी को हम औसत वाक्यांश कहते हैं। तो यहां पर 22,000 का बीमा कराना चाहिए था, उसने 20,000 का करवाया, तो एवरेज क्लॉज हम लागू करेंगे, 20,000 यानी इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन इंश्योरेबल अमाउंट इंटू लॉस ऑफ प्रॉफिट कर देंगे। हम मैंने आपको वहां पर क्या बताया था, इंटू ग्रॉस क्लेम करते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रॉस क्लेम वाली बात ही नहीं है, सीधा पॉइंट नंबर 4 का जो कैलकुलेशन लॉस ऑफ प्रॉफिट को ही ले लेंगे सीधा। तो इसलिए
यहां पर ग्रोस कलम के स्थान पर अपने ऊपर क्या था, लॉस ऑफ प्रॉफिट था, तो उसी को यहां ले लेंगे। तो कितने नुकसान हुआ था, 6,6600 का, उसमें से पूर्ति कितनी करेगा, 6,000 की, यानी 20,000 अपॉन 22,000 इंटू 6,600, तो 6,600 में से 6,000 की पूर्ति ही उसके लिए क्लेम किया जा सकता है, क्योंकि पूरा जितना कराना चाहिए था उतना बीमा नहीं करवाया। सपोज कीजिए यदि बीमा 22,000 रुपये से ज़्यादा का होता तो क्या करते, कुछ नहीं करते, यानी हम सीधा सा एक ही बात था कि भाई जो है पूरे के पूरे 6,600 रुपये की पूर्ति कर देती है बीमा कंपनी, क्योंकि बीमा अगर उसने इससे ज़्यादा का करवाया है जो 20,000 से, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो 22,000 से बीमा कराना था या उसको 22,000 का, मान लीजिए उसने 25,000 का बीमा करा रखा है, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि हम जो है वो 20,000, तो इंश्योर्ड अमाउंट अगर 25,000 होती यानी 22,000 से ज़्यादा, तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी, जितना पूर्ति थी पूरी 6,600 रुपये मिल जाते उसको। लेकिन यदि बीमा कराना चाहिए था उससे कम का बीमा करवाया हुआ है, तो पूर्ति भी कम की जाएगी। ये सारी बातें जो हैं वो आपको लगभग इस सवाल में क्लियर हो गई, सवाय इसके किसके, एडिशनल वर्किंग कॉस्ट के। तो मेरे कहने का अभिप्राय यहाँ पर है कि जो इन जो 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 प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी होती है, या जो पॉलिसी फॉर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस होती है, वो जो पॉलिसी होती है उसके अंदर आपको क्लियर ये देखना है कि भई हमें एडिशनल वर्किंग कॉस्ट दी हुई है, तो हमने टोटल 8 पॉइंट बनाने हैं, उसमें अपने सोल्यूशन रहेगा, अगर अदरवाइज 6 पॉइंट्स में अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप चलें, कोई भी स्टेप को बीच में रोके नहीं, जब तक कि उसकी ज़रूरत नहीं हो तो उसको हटा सकते हैं, अदरवाइज आपको एक स्टेप के बाद ही दूसरी स्टेप पर चलना है। यहाँ पर इस सवाल में आग बुझाने के खर्चे नहीं दिए गए हैं। यदि ये कहता है कि उसने 500 रुपये 1,000 रुपये कितने भी आग बुझाने के खर्चे किए, तो एक्सपेंसेस अगर इस तरीके के किए हैं टू कंट्रोल द फायर, तो फिर वो खर्चे इसमें जोड़ देते हैं हम, तो वो दावे की राशि बन जाती। अदरवाइज नहीं दिए गए हैं तो यही राशि है वो अमाउंट ऑफ क्लेम हो जाएगी। तो आज की इस लेक्चर में अपन केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। आप फिर से इस सवाल को करें, इस तरीके के क्वेश्चंस फिर अपनी बुक में से करें, जो पीडीएफ आपको दी गई है आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाकर के पीडीएफ खोल करके देख सकते हैं। तो धन्यवाद, जो आपने इसको ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको ये हम पूर्ण ये प्रयास करेंगे कि बहुत जल्द ही आपके लिए जितने भी, जैसे मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपकी जब आपकी एक यूनिट समाप्त हो जाए फर्स्ट यूनिट, जैसे ये जो 2-3 वीडियो इसके और आएंगे, उसके बाद में ये जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो फिर एक आपकी वॉयज अकाउंट और बचेगा, तो वॉयज अकाउंट जो बचेगा उसको, उसके बाद में एक यूनिट आपकी पूरी हो जाएगी, तब आपके कुछ अपने जो है वो गूगल फोरम पर आपके ऑब्जेक्टिव कुछ पेपर्स लेंगे, कुछ सब्जेक्टिव भी लेने की कोशिश करेंगे आपके परीक्षा के पैटर्न के आधार पर, तो उसकी वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। और उसके बाद में आप देखना कि आपके सारी जो यूनिट है फर्स्ट, उसमें थ्योरिटिकल आस्पेक्ट हैं, आपके न्यूमेरिकल आस्पेक्ट हैं, लेकिन मैं आपको फिर बार बार ये कह रहा हूँ कि आप वीडियोज़ को ध्यान से सुने, उस पीडीएफ को खोल करके उसको बार बार पढ़ें, और आप जो बुक आपको जो भेजी गई थी वो बुक जो सिलेबस के अंतर्गत आपको नीचे रिकमेंडेड भी थी, वो बुक्स हैं या और कोई बुक भी जो भी मिले फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो बुक आप, अच्छी बुक आप लाएं और उसको पढ़ें, उसको बार बार उसके क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करें, तो आपकी एक रेगुलरिटी आप अगर रखेंगे तो आपको कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। धन्यवाद।